अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हमारे किचन में बन रहा है चीज़ी कीमा मैक्रोनी, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये हमने हाफ पैकेट से ज़्यादा हमने ये मैक्रोनी ली है, पूरा पैकेट नहीं लिया है। ये छोटी वाली मैक्रोनी है, ठीक है। आप कोई सी भी मैक्रोनी पास्ता ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक प्याली जो है कैबेज ली है, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। दो छोटी शिमला मिर्च ली थी, आप किसी भी कलर में ले सकते हैं क्योंकि इसमें तेज़ी तो होती नहीं है, बच्चे इजीली खा सकते हैं। तो हमने ये ग्रीन एंड येलो जो है थोड़ी थोड़ी चॉप कर ली है दो। और ये मैंने एक छोटी सी गाजर ली थी, इसको भी कट कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको भी कट कर लिया। इसकी जगह आप हरी प्याज भी ले सकते हैं। जो भी आपके बच्चे वेजी पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं इसमें आप। और ये है 1.5 पाव के करीब मोटा मोटा कीमा है ये, और ये हाफ प्याली जो है टोमेटो प्यूरी है होममेड। और ये है 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन लिया है। ये कुछ हमने स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं जैसे भी हो। इसके अलावा हमने जो है ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून हमने बच्चों के हिसाब से कम रखी है, वरना आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने चिली सॉस लिया है, सिरका हम नहीं डालेंगे। और ये चीज़ी है तो इसमें चीज़ हमने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप चेडर और मोज़रेला भी ले सकते हैं, मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है। और बनाने के लिए ऑयल, चलें सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मैक्रोनी बॉईल कर लेंगे। पानी रखेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून भर के हम ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। जब बॉयल आने लगेगा तो उसमें हम मैक्रोनी डालेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। चले जी, जब तक हमारी मैक्रोनी बॉयल हो रही है तब तक हम अपना ये कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें पैन में ऑयल चाहिए 6 टेबल स्पून। अगर कम यूज़ करते हैं तो कम डाल लें, ठीक है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। हल्का सा सौते करेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। कीमे को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा इसका पानी ड्राई हो जाए इसका अपना, फिर हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप बारीक कीमा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैंने हाफ पैकेट मैक्रोनी के हिसाब से 1.5 पाव कीमा लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। चलो जी, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसको सौते करेंगे। अब इसमें खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें ये ड्राई सीजनिंग में ऐड कर देंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमने मिर्चें कम रखी है। जब तक ये कीमा हल्का हल्का सौते करते हैं, फिर इसमें हम पानी ऐड करके इसको टेंडर होने के लिए रख देंगे। अब ये आपको पता होगा कि आप जहाँ से बीफ लेते हैं वो कितनी देर में गल जाता है। मैं इसमें 1/2 ग्लास ऐड कर रही हूँ और मिक्स करके इसे लिड लगा दूँगी स्लो हीट पे, ठीक है। चलो जी, अब हम इसे लिड लगा देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए।
चले जी व्यूअर्स, अब हम लेड उठा के देखते हैं कि कीमा जो है वो टेंडर हो गया या नहीं। फिर इसमें हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। ये कीमा जो है वो गल चुका है, अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे हाफ प्याली। अगर आपके पास ये नहीं है या ये नहीं डालना चाहते तो आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन हाफ प्याली नहीं, थोड़ा कम। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसमें सारी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए उसके बाद। चलिए जी, अब हम इसमें सारी वेजी ऐड करेंगे। वेजी को ज़्यादा गलाना नहीं है हमने। आप वेजी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद करते तो कम कर लें, ये अपनी पसंद की कोई भी वेजी ऐड कर लें, और अगर पसंद करते हैं बच्चे तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। वैसे बैलेंस है जितना मैंने बताया है कीमे के हिसाब से, बाकी आपके टेस्ट के हिसाब से आप देख लीजिए। और चलिए जी, अब हम इसमें ये दोनों सॉस भी ऐड कर देंगे, सोया सॉस और चिली सॉस। बस हम इसे ड्राई कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं हम क्या करना है। ये ड्राई होना शुरू हो गया है, अब हम क्या करेंगे कि इसका आधा जो मिक्सचर है वो हम निकाल लेंगे और आधी मैक्रोनी भी अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसमें से हाफ मिक्सचर जो है वो निकाल लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करेंगे। चलिए जी, अब हमने हाफ जो है वो अलग कर ली है बॉईल की हुई मैक्रोनी, और हाफ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो हाफ मसाला मैंने इसमें रखने दिया है उसमें हम ऐड कर रहे हैं। अभी आपको बताऊंगी कि हाफ का क्या करना है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, चाहे तो आप सारी मैक्रोनी जो है वो इसमें ऐड कर लें। चलें जी, मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे और आपको बताती हूँ कि मैंने हाफ ऑफ क्यों किया था। चलें जी, अब क्या करना है, ये हमने हाफ मैक्रोनी हाफ जो हमने सारा मसाला बनाया था वो मिक्स करके रख लिया है, हाफ मैंने इधर करके रख लिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे ऐड कर लेंगे, और हाफ हमने ये भी जो मसाला कीमे वाला है ये हमने अलग किया था। ये चीज़ है पिज़्ज़ा चीज़, आप हाफ मोज़रेला और हाफ जो है आप चेडर भी ले सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा चीज़ भी बेस्ट रहती है। और ये है पार्सले, थोड़ी सी हम इसको ऐड करेंगे ऊपर। चले हम स्टार्ट करते हैं, लेयर लगाएंगे जिसमें आपको सर्व करना है जो ओवन प्रूफ हो। हमने इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें लेयर लगाएंगे। थोड़ी सी पहले हम प्लेन मैक्रोनी ऐड करेंगे, फिर हम इसमें इसकी लेयर लगाएंगे साले की। कम से कम हम टू लेयर्स लगाएंगे हर चीज़ की। ठीक है, और सेंटर में ये वाला। और इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। और हम इस पे पार्सले थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड लेयर लगाएंगे इसी तरह।
चलो जी, अब हम सेकंड लेयर बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे। इससे क्या होगा, हाफ हमने जो है वो मसाले के साथ और हाफ हमने जो है प्लेन रखा है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं बच्चों के लिए। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप पूरा आप बैटर मिक्स करके फिर लेयर लगा लें, वो इजी हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे कभी कभी प्लेन भी पसंद करते हैं थोड़ा सा, तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए। और जो मिक्स किया हुआ होगा बस उसमें तो फिर ये टू लेयर्स इजीली लगेंगी, सिर्फ मैक्रोनी और मिक्स करेंगे, मिक्स की हुई मैक्रोनी हम लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे और पार्सले डालेंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, सिर्फ ऊपर कलर देने के लिए ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अब हम ये मसाले वाली भी इसके ऊपर लास्ट में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको सर्व करना है आप वही आप डिश लेंगे ताकि आप बस बेक हो करें और उसे सर्व कर दें। ठीक है जी व्यूअर्स, ये हमने सारा असेंबल कर दिया, अब हम इसको लास्ट में जो है पार्सले स्प्रिंकल करेंगे और आप जैतून या फिर मशरूम वगैरह भी इसमें और जलापेनो भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़े से की है काट के। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट बेक कर लेंगे कलर देने के लिए और चीज़ मेल्ट करने के लिए। ठीक है, फिर इसको फाइनल लुक दिखाते हैं आपकी। जी व्यूवर्स, ये है हमारी डिश की फाइनल लुक, चीज़ी कीमा मैक्रोनी की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।